किया? आज मानव के जीवन से हमारी महत्ता कम होती जा रही है। मानव जिसके जीवन में हम बसे हुए थे, अब हमारा स्थान न जाने कौन लेता जा रहा है। ये मैं हूँ, तकनीकी। मैंने ही मानव जीवन को आगे बढ़ाया है, उसे पृथ्वी से चंद्रमा पर पहुंचाया है। ये मैं ही हूँ जिसने मंगल को अपनाया। ये मैं ही हूँ जिसने भविष्य को जाना और भूत को सुधार कर वर्तमान में जीना सिखाया है। सरहदों को भुलाकर व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ा है, उनके मध्य दूरभाष संचार को बनाया, मनुष्य की मनुष्य से दूरी मिटाई है। ये मैं ही हूँ जिसने मनुष्य जीवन को उन्नत बनाया। उन्नत, जिसे तुम उन्नत कहते हो, आज वही मनुष्य के पतन का कारण बन गया है। व्यक्ति से व्यक्ति की दूरी घटने की जगह बढ़ती जा रही है, ये कैसी उन्नति है? संयुक्त परिवारों को एकल में बदलने को तुम तरक्की कह रहे हो? आज जिसके कारण मानवीय संवेदनाएं खत्म होते जा रही हैं, वो तुम हो। अरे हम थे तो व्यक्ति में दया, प्रेम, सद्भावना, बड़ों का आदर, धैर्य, ये सब थे। पर मनुष्य आज जिस प्रकार का व्यवहार करता चला जा रहा है, उसका कारण हो तुम। उसकी करुणा तो मात्र दिखाने तक की रह गई है। अरे बस बस बस, ये सब मैंने नहीं करा। मैंने तो दो संस्कृतियों को मिलाया, पूर्व से पश्चिम की दूरी को कम करा है, विज्ञान के नए आयामों को रचा है। मैंने ही तो तक्षशिला, नालंदा को पुनर्जीवित करा। मेरी रचना का मूल उद्देश्य तो यही था, लेकिन व्यक्ति ने अपनी महत्वाकांक्षाओं और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मेरा उपयोग किसी दूसरे क्षेत्र में किया जाने लगा। मैंने तो मनुष्य की जिज्ञासाओं को शांत किया, ईश्वर की अनुपम कृति व मानव मस्तिष्क, लेकिन अब उसका स्थान मैंने ले लिया। अब उसके जहन में मैं ही हूँ। कठपुतली बनाकर रख दिया है मैंने उसे। अरे इस तरीके से तो मानव ही खत्म हो जाएंगे। वसुधैव कुटुंबकम की भावना इस विश्व से पूर्णतया नष्ट हो जाएगी। हमें चाहिए संतुलन। आज जितनी जरूरत उसको तुम्हारी है, उतनी हमारी भी है। क्यों ना हम आपसी संतुलन बनाकर चले? मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे संतुलित रखने का प्रयास मानव को स्वयं करना होगा। मैं तो निर्माण और विनाश के बीच एक महीन सूत हूँ। मुझे अगर नियमित व संयमित उपयोग से लिया गया तो मैं नव जीवन की रचना कर सकता हूँ। आज से हम नौ नहीं, 10 रस हैं। सभी मिलकर व्यक्ति के जीवन को और निखारेंगे।